नमस्कार दोस्तों, डीजे बजना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो दोस्तों, शादी वगैरह में किस तरह का डीजे सेटअप लोडिंग किया जाता है, किस प्रकार का डीजे सेटअप बजता है और शादी विवाह किस प्रकार का, किस किस जगह में किस तरह का होता है, इस तरह के सारी जानकारी देने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। इसके लिए हम शादी में पहुँच चुके हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार का शादी वगैरह होता है और इसमें किस तरह का डीजे रहता है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। शादी में आ चुके हैं दोस्तों, हल्दी वगैरह का वीडियो नहीं बना सके अभी, डायरेक्ट अभी बारात निकलने वाला है, तो गाड़ी का सजावट किस प्रकार की जाती है वो सारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि अभी यही ट्रेंड चल रहा है, लगभग स्विफ्ट डिज़ायर ये वाला मॉडल है गाड़ी मारुति सुजुकी का, इसमें इस तरह का सजावट चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, दोस्त लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें डेकोरेट करने के लिए देख सकते हैं रजनीगंधा का फूल, गुलाब का फूल और डेकोरेटर का कागज़ का फूल और काफ़ी सारा गुलदस्ता बनाने के लिए क्या उसको जो झाड़ वगैरह कुछ रहता है सजावट का, उस सारा को लगा के गुलदस्ता फ्रंट वाला बना रहे हैं। उसी तरह उसके कार के ऊपर भी एक गुलदस्ता बनेगा और पीछे भी एक बड़ा सा गुलदस्ता बनेगा, तो वही सब सजावट अभी चलिए रहा है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए किस प्रकार का सजावट किया जा रहा है, गुलदस्ता बनाया जा रहा है। अभी तक इस सीज़न में काफ़ी सारा शादी में देख चुके हैं इसी प्रकार का सजावट गाड़ी में स्विफ्ट डिज़ायर में किया जा रहा है, बस नॉर्मल सा रजनीगंधा का फूल का धागा इस प्रकार का लटकाया जाता है और फ्रंट ऊपर और बैक में बड़ा बड़ा गुलदस्ता तीन जगह बनाया जाता है और किनारे किनारे गुलाब का फूल इस तरह चिपकाया जाता है। लगभग सारे शादी वगैरह में इसी तरह का सजावट अभी नॉर्मली दोस्त लोग अपने से ही कर रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मिस्त्री वगैरह, इसलिए दोस्त लोग खुद से ही अपने से ही इस प्रकार का सजावट करते हैं। ये सजावट बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से ये वाला सजावट हो जाता है, काफ़ी लोग ऐसे ही देख के कॉपी करके सजा अपने से ही सजा लेते हैं। देख सकते हैं गाड़ी की लुक वगैरह, ये नॉर्मल सजावट है जो कि आसानी से हो जाता है। अभी फ़िलहाल बारात निकलने से पहले बाकी का कार्यक्रम उधर चल रहा है, जैसे कि आम के पेड़ को पूजा जाता है वगैरह वगैरह, इस तरह का रस्में निभाई जाती है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि बारात के लिए कौन सा डीजे सेटअप किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं दो पीस डुअल बेस है और चार पीस 415 है और इसमें पार लाइट 6 पीस लगभग अप्रोक्स है। बाकी सारा आपको और भी नज़दीक से दिखाने का कोशिश करते हैं। देख सकते हैं इसमें डीजे का नाम लिखा हुआ है, डीजे रोहित, पार लाइट ऊपर लगा हुआ है और नीचे दो ठो डुअल बेस है और ये देख सकते हैं पिकअप वैन में इसमें लोड किया गया है, पिकअप ब्लोरो का है, वीडियो में देख सकते हैं। और इसमें ऊपर में मशीन वगैरह लगाया हुआ है, इस तरह से देखने से पता चल रहा है ऊपर में इस तरफ एक ठो स्टेबलाइजर है और उसके नीचे भी कुछ है और इधर फ्रंट वगैरह से भी दिखाने का कोशिश करेंगे अच्छी तरह से। देखने से लगता है कि इसमें 4 पीस स्टेंजर का एम्पलीफायर यूज किया गया है 4K और दोनों किनारे में 2 ठो स्टेबलाइजर है और 1 ठो ट्यूटर बजाने के लिए 1000 वाट का औजा का एम्पलीफायर यूज किया हुआ है और इसमें DA20 वगैरह भी है। समय हो चुका है, बारात बस निकलने ही वाली है। बारात दुल्हन का गांव पहुंच चुका है, अब डीजे बजाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं 2 पीस डांस के लिए डांसर भी बुलाया गया है और दोस्त लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं डीजे के। देख सकते हैं डीजे वो वही वाला सिस्टम है जो कि आपको पहले दिखा चुके हैं बारात निकलने से पहले, इसमें ज़्यादा दोस्त लोग ही मस्ती करते हैं।
वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार डांसर के साथ दोस्त लोग पकड़ पकड़ के डांसिंग वगैरह कर रहे हैं, खूब सारा मस्ती कर रहे हैं, देख सकते हैं वीडियो में अच्छी तरह से। हम लोग के तरफ इसी तरह का कार्यक्रम ये प्रोग्राम वगैरह चल होते रहता है। अब दुल्हन के घर बारात पहुंच चुका है, लड़की का पिताजी और लड़का का पिताजी आपस में एक दूसरे के गले में रजनीगंधा का माला डालेंगे और इस प्रकार का उछल कूद करेंगे। इसी को हम लोग संधि मिलन बोलते हैं, यानी लड़के का पिताजी और लड़की का पिताजी और उसके रिश्तेदार यानी चाचा लोग इस प्रकार आपस में एक दूसरे के गले में माला डाल के एक दूसरे को उठा के डांस वगैरह करते हैं। वीडियो में आप देख ही सकते हैं इस तरह का हम लोग तरफ मनाया जाता है प्रोग्राम वगैरह, जो कि शादी पाठ विवाह में इसी प्रकार का होता है। संधि मिलन का कार्यक्रम पूरा हो चुका है दोस्तों। अब दूल्हे का गाड़ी दुल्हन के घर के दरवाजे के पास लगाया जाता है। देख सकते हैं किस प्रकार दूल्हे का गाड़ी अब दुल्हन के घर के दरवाजे के समीप लगाते हैं। जैसे ही दूल्हे का गाड़ी दुल्हन के घर के दरवाजे के करीब लगाया जाता है, उसके बाद बहुत सारी रस्में और विधि की जाती है। आगे की रस्में और विधि को दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि हमको भी उधर स्टेज और पंडाल की ओर जाना है, नाश्ता वगैरह खाना वगैरह खाना है। उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे जयमाला वर वधु जब स्टेज में आ जाएंगे तब। तो चलिए देख सकते हैं दूल्हा स्टेज में चढ़ चुका है, अब दुल्हन आ ही रही होगी। दुल्हन भी स्टेज में चढ़ चुकी है। यहाँ भी बहुत सारे रस्में और विधि निभाई जाती है, सारा चीज़ तो दिखा नहीं पाएंगे, कोशिश करते हैं कितना सारा दिखा पाएंगे। यहाँ पे लड़का की ओर से भी कैमरामैन रहता है और लड़की की ओर से भी कैमरामैन रहता है, दोनों बारी बारी फ़ोटो और वीडियो लेते हैं, जिसके कारण काफ़ी देरी यानी लेट हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं किस तरह के रस्में और विधि होती है। लड़की की ओर से ड्रोन कैमरा भी लगाया गया है। ये जयमाला लड़की ने डाल दिया और लड़का भी। पूरा शादी का वीडियो नहीं बना पाए। अब उसके अगले दिन दूल्हे का घर में पार्टी दिया है, उसमें देख सकते हैं सजावट काफ़ी दूरी तक किया हुआ है। हर थोड़ी दूर दूर में एक लाइट का कुछ फ्रेम वगैरह बना के लगाया है कुछ दूरी दूरी में। अभी यही ट्रेंड में चल रहा है, लगभग सारा जगह सजावट अभी इसी तरह से हो रहा है। अभी वो झालर जैसा लाइट बहुत कम जगह में यूज किया जाता है, डायरेक्ट पार्टी शादी में इसी तरह का थोड़ी दूर दूरी में फ्रेम लाइट का फ्रेम लगाया जाता है और इस प्रकार से डेकोरेट किया जाता है। आपको दिखा देते हैं सभी लगभग सभी जगह में थोड़ी दूर दूर में इसी तरह का काम किया गया है, वीडियो में देख ही पा रहे हैं। आपको बता दें राइट साइड में दिखाते हैं आपको, राइट साइड में पंडाल वगैरह बनाया गया है, यानी खाने की व्यवस्था इधर की गई है और दूर में रखा गया है डीजे और स्टेज, ताकि खाना खाने वाले लोगों को किसी प्रकार का डिस्टर्ब यानी किसी तरह से कठिनाई नहीं होए। आपको दिखाते हैं और आगे चल के कि किस प्रकार का और सजावट किया गया है, देख सकते हैं इधर लेफ्ट तरफ लगाया गया है डीजे और स्टेज। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आपका डीजे और उसके बगल में स्टेज। आगे आपको और दिखाते हैं कि किस प्रकार की सजावट की गई है। और थोड़ी दूर में और एक ठो उसी तरह का फ्रेम लगाया गया है, मंदिर वगैरह को भी सजाया गया है। फ्रेम के आगे मेन गेट बनाया गया है, वो भी LED फिक्सल का है। चलिए आपको दिखा देते हैं उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह फ्रंट से वीडियो लेके। वीडियो में देख सकते हैं ये रहा आपका मेन गेट लाइट। अभी लगभग सभी जगह फिक्सल LED का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर से चलता है, इसमें काफ़ी तरह से अपने अनुसार डिजाइनिंग वगैरह इस गेट लाइट में चलाया जाता है, या आप अपने हिसाब से डिजाइनिंग बना के इसमें रनिंग कर सकते हैं।
चलिए अब दिखाते आपको डीजे सेटअप, उसके बगल में स्टेज है, तो पहले डीजे की ओर चलते हैं। डीजे में दिखाते हैं किस तरह का मटेरियल या क्या क्या सामान यूज किया गया है, किस तरह का डीजे सेटअप पार्टी में लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें फ्लोर एलईडी पिक्सल का है, इसमें लगभग एलईडी पिक्सल का फ्लोर है और चार पीस 4x15 है, बगल में चार पीस 2x15 है और पार लाइट काफ़ी सारा है और दो पीस सार्फी है। नज़दीक से दिखाते हैं इसमें कौन सा एम्पलीफायर मशीन वगैरह यूज किया है। देखने से लग रहा है दोस्तों 5 स्टेंजर का 4K यूज किया गया है और 1 आवजा का एम्पलीफायर 1000 वाट, और इधर देख सकते हैं 2 DMX, 1 पार और सार्फी के लिए, और मिक्सर आपका दोस्तों यामाहा का लगाया गया है, काफ़ी हाई क्वालिटी के लिए इसमें साउंड निकलता है। यामाहा का काफ़ी कॉस्टली होता है दोस्तों। और ये रहा स्टेज जहाँ दूल्हा दुल्हन दोनों बैठ के फ़ोटो वगैरह लोग खींचते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे जाके डीजे बैजनाथ पेज को फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब में नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।